धम्म पदम का तीसरा वर्ग चित्तवग्गो, उसकी चौथी गाथा है। सुदुद्दसम सुनिपुणम यथा काम निपातिनम यत्थ काम निपातिनम चित्तम रखेय मेधावी चित्तम गुत्तम सुखावहम। चित्त कैसा है? सुदुद्दसम दुर्दर्शम, सुदुर्दर्शम बहुत कठिनाई से समझ में आने वाला है। इसके साथ सुनिपुणम बहुत निपुण, बहुत चालाक है। यत्थ काम निपातिनम तो भाई यत्र काम जहाँ इच्छा करता है वहाँ निपातिनम, निपात कहते हैं गिरने को, गिरने वाला। यहाँ भाव है दौड़ने वाला, उड़ने वाला। इसलिए चित्तम रखेय मेधावी, मेधावी को प्रज्ञावान को चाहिए वह अपने चित्त की रक्षा करे। साधक को चाहिए कि वह अपने चित्त की रक्षा करे, उसे इधर उधर न जाने दे। चित्तम गुप्तम गुप्त चित्त सुरक्षित चित्त सुखावहम सुखदायी होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं कठिन कठिनता से समझ में आने वाले अत्यंत चालाक और जहाँ चाहे वहाँ भाग जाने वाले चित्त को मेधावी मनुष्य सुरक्षित रखे। क्यों सुरक्षित रखे? सुरक्षित चित्त सुखदायी होता है। चित्तम गुत्तम सुखावहम, दुर्दर्श है चित्त, देखने में नहीं आता। दर्श दर्शन, देखने में नहीं आता, समझने में नहीं आता। सद्गुरु कबीर ने भी मन का इसी रूप में विश्लेषण किया है। बिना मुड़ का चोरवा परा न का हो चीन, ये समझ में नहीं आता। चेहरा हो, एक चेहरा हो तो समझ में आए, ये बदल जाता है। धर्म का दिखावा कर अधर्म में डुबा देता है, सेवा और परोपकार का जाल बिछा कर अशांति में डाल देता है, वैराग्य का दिखावा कर राग में फंसा देता है। जो धैर्य धरकर अहंकार को छोड़कर अपने मन को बारीकी से देखता है वही धीरे धीरे इसकी वास्तविकता को समझ पाता है। त्याग वैराग्य साधना ये पूर्ण निरहंकारिता का भाव है। लेकिन जब हम साधना पथ में चलने लगते हैं कुछ मोटे दोष छूटने लगते हैं या छूट जाते हैं और कुछ सद्गुण जीवन में आ जाते हैं तो जो सचमुच विनम्रता का पाठ होना चाहिए उसी से अहम हो जाता है। मैं ज़्यादा जानकार, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बलवान, मैं समझदार, मैं वैराग्यवान, मैं योग्य। अच्छी बात है, हो सकता है आप योग्य हों औरों से, लेकिन उस योग्यता को अपनी साधना के लिए प्रयोग करें, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयोग करें। योग्यता तो है, दुरुपयोग किए। जो बड़े बड़े खूंखार रजवाड़े हुए, आतताई राजा हुए, योग्यता बहुत थी। आज भी जो लोग आतंकवादी हैं या जो आतंक फैलाते रहते हैं या वैसा करते हैं जो सचमुच समाज के लिए अहितकर है, योग्यता की कमी नहीं है, लेकिन वह योग्यता दूसरों के नुकसान पहुंचाने में न हो। तो साधना पथ में चलते चलते भी
साधना के विरोधी कर्म होने लग जाते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये समझने में नहीं आता, या फिर कठिनता से समझ में आने में, सुदुर्दर्शम सुदुर्दर्शम, बहुत कठिनाई से समझ में आने वाला, बहुत कठिनाई असंभव नहीं कहते हैं, कठिनाई इसलिए कहते हैं कि जो कोई ध्यान देगा, ख्याल करेगा या उसके लिए पूरी तरह से लगन लगा लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। समझ जाने के बाद भी निर्माण भाव से इसे परखते रखना चाहिए, परखते रहना चाहिए। यह चित्त, यह मन सिर्फ सुनिपुणम, निपुण है, चालाक है। यह अनादिकाल से विषय भोगों का लालची है, इसलिए मनुष्य को उसी तरफ झुका देता है। यत्र काम निपातिनम, ये तो है ही है, जब जहां चाहता है उड़ जाने वाला। सही कहो ना, तो मन कहीं जाता नहीं है। ऐसे थोड़ी कि शरीर में यहाँ मन है और यहाँ से उठ करके विचरने लग गया, भंडार चला गया, प्रीतम नगर चला गया, या दिल्ली मुंबई चला गया, ऐसा नहीं है। याद आती है, उसकी याद आती है। अब याद जो काम की चीजों का याद आना गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन राग द्वेष लड़ाई झगड़े इसकी याद करने लगता है। मैंने पहले भी कहा कि अतीत का स्मरण गलत नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए ये बहुत जरूरी है, प्रगति के लिए जरूरी है। जो आज तक हमने पढ़ा वो सब जीरो हो जाए अभी, या जो परिचित लोग हैं उनको हम सब पूरी तरह भूल जाएं, क्या होगा? व्यवहार कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। तो याद आना गलत नहीं है, लेकिन हम उन बातों को, उन घटनाओं को, उन प्रसंगों को याद करते हैं जिसकी याद आने से हमारे मन में विकार बढ़े, उद्वेग बढ़े। उससे परहेज की बात है, उससे परहेज की बात है। कल्पना का भी महत्व है, हम कल की योजना नहीं बनाएंगे, अगले क्षण की योजना नहीं बनाएंगे तो कैसे काम बनेगा? अगले साल की योजना, वर्षों वर्षों की पहले की योजना बनती है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पहले बनाए जाते हैं तब होता है। तो भविष्य की कल्पना करना यह भी गलत नहीं है, लेकिन भविष्य में हम उन बातों की कल्पना करने लगे जो सचमुच जीवन में कई बार वो घटती नहीं है, और परेशान। गुरुदेव जी कितनी बात अच्छी बात बताते थे, बीजक में भी लिखे हैं, बस्ती के ही मोहम्मद नगर के भगत, जिनके बारे में साहब कहा करते थे कि उनसे पूछे कि कहो भगत जी, कोई चिंता कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं साहब जी, कोई चिंता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी एक मन में एक भय होता है, मन में एक चिंता सताती रहती। क्या है? कहीं डाकू ना आ जाए, और डाकू आकर के पैसा ले जाए उसकी चिंता भी नहीं है, लेकिन कहीं वो मारने पीटने लगे और के लिए। तो गुरुदेव जी ने पूछा कब से है ये चिंता? यही 5-7 साल से है, डाकू आया डाकू नहीं आया। तो फिर आप तो डाकू नहीं आया फिर भी पिटवा रहे हैं अपने को, ऐसा ना करिए। जब आएगा डाकू तो जो भी करना होगा वो कर लेगा, और बहुत देर नहीं लगेगा, कुछ मिनट में सारा काम हो जाएगा। उसी समय जितनी तकलीफ होगी, जितना दुख देना होगा वो दे लेगा और सह लीजिएगा, लेकिन पहले से दुख मत सहिए अभी आप। वो बात समझ में आ गई उनकी। फिर कई साल बीत गए, फिर पूछे गुरुदेव जी, कहो भगत जी कैसे, अब तो चिंता नहीं होती है? कहे साहब, जब से आपने कहा तब से जैसे मन का कांटा निकल गया, हल्का। गलत का स्मरण, गलत की कल्पना, ये नुकसानदायक है। यहां गुरुदेव जी लिखते हैं,
राग द्वेष की बात को याद करके मलिन बना रहता है, चित्त कैसा मलिन बना रहता है। साधक का काम है कि इसे अपने वश में करने का प्रयत्न करें, और वश में करने का प्रयत्न करने का मतलब बताया, आप उसको स्थानांतरित कर दीजिए। विस्थापन का नियम, कई नियम बताए जाते हैं, विस्थापन विस्थापन अलग चीज रख दीजिए आप। जैसे यहाँ हमारे साथी लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत गर्मी लगती है, यहाँ जाते हैं कूलर चला लेते हैं, विस्थापन स्थानांतरित हो गए बस। तो जो विचार ऐसे लग रहे हैं उसको आप बदल दीजिए, नकारात्मक विचार आ रहा है सकारात्मक तक ले आइए, अच्छे लोगों की याद करने लग जाइए। ये क्या है, ये बदलाव है। तो फिर क्या हो गया, वो आपके लिए कठिनाई नहीं है, या फिर आप साधना के माध्यम से और अधिक गहराई से साधना कर सके, भीतर उतर जाइए, शांत मौन, आत्मा मौन है शांत है, उसमें रह जाइए। नहीं वह हो पा रहा है और कुछ कर लीजिए। यह किसकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये जब करते रहेंगे तो आदत सी बन जाएगी। जो गलत आदतें हैं उन आदतों को हम तोड़ करके अच्छी आदतों को निर्मित कर सकते हैं, ये कोई असंभव नहीं है। चित्तम गुत्तम सुखावहम, चित्तम रखे मेधावी, ये चित्त के बारे में तथागत बुद्ध कहते हैं ये कठिनता से समझ में आने वाला है, चालाक है, जहां चाहता है भाग जाता है, ये बात सब ठीक है, लेकिन साधक का काम है उसे सुरक्षित रखे। सुरक्षित चित्त ही सुखदायी होता है। चित्तम गुत्तम, गुप्त गुत्तम शब्द यहां पर क्या है, गुप्त, संस्कृत में जिसे गुप्त कहते हैं पाली में उसे गुप्त कहा गया है। दोनों का अर्थ क्या है, संरक्षित सुरक्षित। गुरुदेव जी यहां पता है वो वेदों से आया है, वो सब बातें आप लोग पढ़ेंगे। गुत्तम चित्तम सुखावहम, सुरक्षित संयत स्वस मन सुखदायी होता है। इस बात को हमें सदैव याद रखना है। क्या याद रखना है, जो सुरक्षित चित्त है संयत चित्त है वही सुख देने वाला है। लोग सुख देने वाले नहीं है, परिस्थिति सुख देने वाली नहीं है, विषय भोग सुख देने वाले नहीं है, हमारा शांत चित्त ही हमें सुख देने वाला है। इसलिए इसकी सुरक्षा करें। आगे पांचवी गाथा में तथागत बुद्ध कहते हैं, दुरंगमम एक चरम अशरीरम गुहाशयम, ये चित्तम संयमे संति मुखंति मार बंधना। दुरंगमम गमन, गमन करने, दुरंगमम दूर तक गमन करने वाला, एक चरम चरण चलने वाला, अकेला चलने वाला, अकेले विचरने वाला, अशरीरम, अब उसका कोई स्थूल शरीर तो है नहीं है, वो सूक्ष्म है। अशरीरम, अब कहो ये शरीर में तो है, लेकिन यह शरीर में होते हुए भी वो जो उसकी प्रक्रिया है, बिना हाथ पैर के चला जाना उसको कर लेना, वो कहे ना कि बिना आंखों के भी देखता है, आंखें बंद कर लो फिर भी देखेगा, बिना कानों को भी सुनेगा, बिना जीभ में स्वाद लिए भी स्वाद लेता है, ये क्या है, वही चित्त है वही मन है। इसलिए अशरीरम शरीर रहित सूक्ष्म गुहाशयम, गुहा गुफा, शयन शयन करने वाला, गुफा में सोने वाला, शरीर में गुप्त रहने वाला यह चित्त है, ये चित्तम जो इस चित्त का संयमे संति संयम कर लेते हैं वे क्या होता है, मुखंति मार बंधना, मार के बंधनों से, विषय वासनाओं के बंधनों से मुखंति मुक्त हो जाते हैं। हम सभी क्या चाहते हैं, मुक्त हो जाएं। तो मुक्त हो जाएं, मुक्त हो जाएं कहने से नहीं होगा। ये सूत्र न जाने मैंने कितनी बार कहा, जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता,
हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। मोक्ष की योग्यता को विकसित करने की जरूरत है, और किसी को इस दुनिया में कभी मोक्ष का अनुभव हुआ है तो हमें भी होगा, कोई ऐसा कारण नहीं है, क्योंकि जो उनके पास में संसाधन थे वो संसाधन हमारे पास है। वही पंच तत्वों का शरीर था, वही इंद्रियां थी, वही मन था, वही संसार था, वही संसार तो आज भी है, चाहे हजारों हजारों साल पुराना संसार हो, पंच विषयों से अलग नहीं था, वही चांद, वही सूरज, वही पृथ्वी, वही हवामंडल, वही भोजन पानी, और वही आंख नाक कान जीभ चाम, वही कर्म इंद्रिया हाथ पैर इत्यादि, वो सब कुछ वही है, मन भी वही है। जैसे हम लोग का मन इधर उधर सोचा करता है, तो जीवन मुक्त हुए उनका मन नहीं सोचा करता रहा होगा, क्या वो जन्म से ही जीवन मुक्त हो गए थे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका भी मन चलता रहा, लेकिन जिससे मन न चले वह भी योग्यता सबके भीतर है, उस योग्यता का उन्होंने विकसित कर ली है, बस उस योग्यता का उन्होंने विकसित कर ली। हम लोग भी विकसित कर लेंगे, हमारी भी यही स्थिति हो जाएगी, विकसित न करें, रटते रहे मुक्ति मुक्ति मुक्ति, कहीं धरा है जो बांट दे कोई? भीतर में ही तो अनुभव करना है, कोई वस्तु थोड़ी कोई दे दे। अब उसके रूप को बता रहे हैं, जिस बाधा को पार करना है उस बाधा को ही बता रहे हैं तथागत बुद्ध। क्या कह रहे हैं? इसकी स्थिति कैसी है? दुरंगमम, चित्त ही एक बाधा है और कोई बाधा नहीं है। आखिर ध्यान में हम सब बैठते हैं तो हमारे लिए कौन सी बाधा है? आंख तो बंद किए हैं, दृश्य दिखाई नहीं दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, मुंह बंद किए हैं, शब्द नहीं बोल रहे हैं, विचार विचार, वहां तक पहुंचने में विचार ही बाधा है। बस उसी विचार को अलग कर दें, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, दुरंगमम, दूर तक गमन करने वाला, यह चित्त दूर दूर तक जाने वाला, अकेले विचरने वाला, शरीर रहित और गुफा में रहने वाला, इसका भाव है सूक्ष्म। जो इस चित्त का संयम कर लेते हैं वे काम मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और यही तो मुक्त है, काम मोह के बंधन से ही मुक्त हो गए, मोह से ही निवृत्त हो गई, निर्मोहता की स्थिति आ गई, तो फिर बात खत्म हो गई। मन बीते की स्मृति तथा आगे की कल्पना करने वाला है, या अकेला विचरता रहता है, या बहुत सूक्ष्म है, गुहाशय है, गुफा गुहा गुफा को कहते हैं, और शय शय शरीर के गुण स्थान में रहता है। अब कोई खोजे कहाँ है गुण स्थान बताओ? ऐसा कुछ नहीं है कोई कि यही बता दो यहां अच्छा ऐसे कह के है, बस बस है, उसको बहुत उसके चक्कर में ना जाए कि यहां है वहां है, यत महसूस हो रहा है, बात खत्म करो। जो उसको अपने वश में कर लेता है वह माया में उसे छूट जाता है, मन को विषय वासनाओं से हटा लेना ही उसे वश में करना है। मैंने कई बार कहा इस चीज को, वश में करने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा संदूक में बंद कर लिए हैं, जैसे जो सांप वाले जो पकड़ने वाले होते हैं, सपेरा सांप को पकड़कर एक टोकरी में बंद कर दिए, जब चाहे तब निकाले, ऐसा नहीं है। अब चाहे जीवन मुक्त भी पुरुष हो, जैसे चलेंगे आप, जैसे कोई पेड़ दिखा तो दिमाग में पेड़ नहीं आएगा, वो आएगा, लेकिन बात खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे? ये पेड़ है, फल कब आएगा, कैसे होगा, इसमें कितने दिन पकेगा, अब शुरू कल्पना, और उनके भीतर वो चीज नहीं आएगी, वो क्या करेंगे, खत्म खत्म वहीं पर। ये अंतर है, हम लोग उस कल्पना में चलने लगते हैं, किसी को देखे, किसी व्यक्ति को देखे, विजाति घट को देखे, देखे ठीक है, देख करके अब कल्पना चली, उसी जंजीर को तोड़ना है, उसी चेन को तोड़ना है,
साधक का काम है उसी चेन को, इसीलिए तुरंत वहीं पर कोई सावधान हुआ, होश में आ गया, वहीं पर बात खत्म हो गई। गुरुदेव जी ने कहा ना, फूल भल फूलल मलिन भल गांथल, फूला। इसलिए उसी अंकुर को तोड़ना है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये जरूरी है कि बीती बातों को याद करे, कल्पना करे और जीवन के निर्वाह के लिए ये सब करे, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जो गलत का चिंतन हो रहा है पहले उसे हटाएं, फिर अचिंतन की स्थिति में जाएं। मन विषय वासनाओं से हटा लेना ही उसे वश में करने वाला है, करना है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुरंगमम एक चरम अशरीरम गुहाशयम ये चित्तम संयमे संति मुखंति मार बंधना। जो दूर दूर तक जाने वाला चित्त है, अकेले विचरने वाला चित्त है, शरीर गुफा में रहने वाला सूक्ष्म चित्त है, इस चित्त को जो संयम कर लेता है वह मनोविकारों के बंधनों से अलग हो जाता है।